हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। आज हमारा मात्राओं के सेक्शन में बड़े उत्तरक की मात्राएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मेरे पुराने वीडियोस में ये सारी मात्राएं कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम शुरू करते हैं अपनी ए की मात्रा, ठीक है, ए की और आए की। स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक शब्द लिखा है म ला मला, हमें इसको ए की मात्रा लगा के एक नया शब्द बनाना है। म के ऊपर हमने ए की मात्रा लगाई, बन गया मे ला मेला। म मा पे ए की मात्रा, मे ला मेला, मेला देखने जाते हैं ना। कला 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 यानी ड्राइंग हमारा एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर हमें इसका कुछ और बनाना है तो हम इस पे क पे ए की मात्रा लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क पे ए की मात्रा के ला केला, ये एक फल का नाम हो गया, है ना। ए की मात्रा पे आपको ध्यान देने की चीज़ क्या है, ए, ये ए यानी एक, एक सबसे कॉमन गिनती है, एक। आप एक को एक कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ए के बाद जब ए की मात्रा आती है तो वो ए बिल्कुल अलग साउंड करता है, और ये है ए यानी एक। आपको अगर कोई कहता है केला लिखो, तो आप उस पर अगर दो मात्रा लगाएंगे तो वो हो जाएगा केला, ठीक है। आपको इस पे ए की मात्रा लगानी है, तो आप क पे ए लगा के देखिए, यानी ए यानी एक वाला, एक, एक में जैसे आप ए बोलते हैं वही ए, तो क पे ए की मात्रा के, ये बन गया क्या, के, केला केला। और ये मात्रा जब हम किसी व्यंजन पे लगाते हैं तो ये ऐसे लगती है, बिना लाइन के ऊपर एक मात्रा सिर्फ, उसे हम कहते हैं ए की मात्रा। ये हमारा व्यंजन था, इसके ऊपर हमने ये एक मात्रा लगाई, ये बन गई के ला केला। ख त खत, खत यानी चिट्ठी पत्र, और जब हमने ख के ऊपर ए की मात्रा लगा दी तो ये क्या हो गया, ख से खे। आप इसको लंबा बोल के देखिए आपको क्या सुनाई देगा, ये ए सुनाई देने लगेगा, खे यानी ख के बाद क्या सुनाई दिया, ए, खे, ए, ए यानी ये वाला, और इसके ऊपर लगेगी आपकी सिर्फ एक मात्रा, खे त खेत। सब 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 यानी सब लोग, नया शब्द बनाने के लिए स पे ए की मात्रा लगाई, कैसे बोलेंगे उसको अब हम, से ब सेब, सेब यानी एप्पल, एक फ्रूट। मात्रा का ध्यान रखिएगा, इसको हम कभी भी सेब को, एप्पल को हिंदी में सैब नहीं बोलेंगे, हम हमेशा सेब बोलेंगे, और सेब बोलने के लिए वही एक मात्रा लग रही है, ठीक है ना। ये क्या है, र ल रल, अब हमें ऐसे एक ही मात्रा लगा के एक नया शब्द बनाना है। र पे एक ही मात्रा लगाई, क्या बन गया ये, रे ल रेल, रेलगाड़ी, इसको भी हम रेल नहीं बोलेंगे, ये है रेल। मैंने आपको ऊ की मात्रा में, ई की मात्रा में ये बार बार बताया है कि सिर्फ मात्रा बदलने से शब्द का मतलब ही बदल जाता है, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से मात्रा लगाइए जिससे आपकी गलतियाँ बिल्कुल भी ना हो। और ए का ये आखिरी शब्द क्या है, ख ल खल, ठीक है। खल को अब हमें ए की मात्रा लगा के एक नया शब्द बनाना है, तो ख के ऊपर हमने ए की मात्रा लगाई, तो ये क्या हो गया, ख पे ए की मात्रा लगी तो हम इसे बोलेंगे खे, खे ल खेल, खे त खेत, रे ल रेल, के ला केला,
से ब सेब, मे ला मेला। आया, क्लियर हुआ, समझ में आया? ध्यान से देखेंगे कि ये एक ही मात्रा है और ये ऊपर सिर्फ एक मात्रा लगती है, इसके नीचे कोई भी लाइन नहीं होती, ये होती है हमारी एक ही मात्रा। और जब भी आप किसी अक्षर पे से लगाएंगे, आप बोल के देखेंगे तो उसमें बाद में आपको एक वाले एक की साउंड सुनाई देगी। जब आप कहते हो ना एक, वो एक ही आवाज़ आपको इस मात्रा में हमेशा आएगी। के मे से रे खे, और ये भी खे है ना। अब अगली मात्रा आज की हम करेंगे ए की मात्रा। ये है हमारा ए की मात्रा, ठीक है ना। ये क्या है? ए की मात्रा। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए, ये गलत लिखा हुआ है। इसके ऊपर जब हमारी एक मात्रा लगती है तब ये ए होता है, ठीक है। ये है ए और ये लगी ए की मात्रा, यानी बिना लाइन के ऊपर दो मात्राएं। जैसे हमने ये लिखा ब ल बल, बल यानी दम, ठीक है ना। लेकिन हमें इसको ए की मात्रा लगाकर एक नया शब्द बनाना है। तो हमने लगाई ब पे ए की मात्रा बै ल। अब आप ये ध्यान दीजिए कि जब ए बोला था, ठीक है, एक मात्रा लगी थी, तो उसे हम बोलेंगे बेल। बेल एक फल होता है ना, बेल। लेकिन ये बेल नहीं है, ये हमें बनाना है बैल। तो बैल बनाने के लिए ए के बाद इसको और थोड़ा सा आप देखो कैसे बोला जाता है, बेल या बैल। तो ए का ए, जब ए की आवाज़ आती है वो हमारी ये ए की मात्रा होती है, बिना लाइन के दो मात्रा है। तो यहाँ हमें ए की मात्रा लगा के नया शब्द बनाना था, तो हमने बनाया बैल, बैल। अगला शब्द है म ला मला। मला यानी कोई चीज़ मलना, और इस पे हमें ए की मात्रा लगाकर एक नया शब्द बनाना है। वो कैसे बनेगा? मैला यानी गंदा। तो हमने म पे ए की मात्रा लगाई तो वो बन गया मैं, और ए की मात्रा हुई हमारी बिना लाइन के ऊपर दो मात्राएं, ठीक है। तो ये बन गया मैला, ठीक है। और शब्द देखते हैं इसके, पर चिड़िया के पर होते हैं ना, वो पर। अब हमें इसे ए की मात्रा लगा के बनाना है, तो हमने बना दिया प पे ए की मात्रा पैर, ठीक है, ये पैर। फिर है स र सर, ए की मात्रा लगानी है, हमने बनाया सै र सैर, सैर करना, सर यानी सर हमारा हेड, और सैर करना यानी घूमने जाना, सैर करना, सैर। स पे ए की मात्रा लगाएंगे तो वो होगा से र सेर। लेकिन हमें ए नहीं लगाना, हमें ए लगाना है, तो हम दो मात्रा लगाएंगे और बन जाएगा वो सैर, हमें सैर पर जाना है, ठीक है। और ए का आखिरी शब्द वर। अब वर को हमें ए की मात्रा लगा के एक नया शब्द बनाना है। व पे ए की मात्रा वैर, वैर, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों मात्राओं का ध्यान रखो। ए की मात्रा बोलने में आप जब भी कोई शब्द बोलोगे तो आपको, जैसे ये मेला है, अगर यहाँ ए की मात्रा होगी तो ये बनेगा मेला, जो मेला आप देखने जाते हैं। और ये ए की मात्रा लगी तो सुनाई दी आपको मेला, मेला यानी ऊपर दो मात्रा है, मेला यानी गंदा। और मेला जब आप एक मात्रा लगाओगे ए की तो वो होगा मेला, वो होगी ए की मात्रा, मेला यानी है जहाँ हम घूमने जाते हैं, ठीक है ना। तो आप आज अपनी ये दोनों मात्राएं बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, कॉपी में ज़रूर लिखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो अच्छे से अच्छी, और बड़े होने तक भी, आप 12th क्लास तक भी मात्रा मिस्टेक कभी नहीं करेंगे अगर आप इन
मात्रा वाले सारे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू।